नमस्कार, मैं डॉक्टर जन्ना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डायट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अहमदाबाद के बहुत सारे साधक हमें मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज तलाला गिर से हमें कोई मिलने के लिए आया है और ये स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि ये पिछले 4 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं और 4 साल में इनका क्या क्या अनुभव है वो हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर विनल बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, और अभी 4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ NDS से जी, और मुझे कई फायदे हुए हैं। मेरी प्रेगनेंसी से मैं जुड़ी हुई, जब प्रेग्नेंट थी तब से मैं इस NDS को फॉलो कर रही हूँ जी। और प्रेगनेंसी में मैंने संजीवनी ली okay. तो मुझे बहुत ही बड़ा ऐसा लगा कि बैक पेन नहीं है और सिर्फ पेट है, इतना ही लगा मुझे। लेकिन मैं जब मैटरनिटी होम में गई तब भी मैं संजीवनी 2 बार आधे आधे लीटर लेके गई ओके। और वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया कि 4-4.5 घंटे डिलीवरी के होंगे, और उसके पहले ही 1.5 घंटे में मैं फ्री हो गई। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी भी मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि ग्रीन जूस और बीट का जूस वगैरह मैं पीती थी, मेरे हस्बैंड बना के मुझे देते थे। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या नॉर्मल डिलीवरी हुई जी? और तो 9 महीने में कौन से महीने से आपने एनीमा स्टार्ट किया था? एनीमा मैंने 7वें महीने से स्टार्ट किया। ओके, तो और लास्ट तक मैंने लिया। लोग बोलते हैं कि मैंने तो स्पेशल एक वीडियो बनाई है प्रेगनेंसी एनीमा, और उसके रिलेटेड देख के बहुत सारे लेडीज ने ये ट्राई किया है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे अनुभवी है कि जिन्होंने प्रेगनेंसी में एनीमा भी लिया है। तो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 3ों महीना आपने एनीमा लिए? और मैं मैटरनिटी होम में जा रही थी उससे आधे घंटे पहले भी मैंने एनीमा लिया। ओके जी, और इसका फायदा मुझे जबरदस्त हुआ क्योंकि मैं उस पेन से 1.5 घंटे में ही रिलैक्स हो गई। और कितना लीटर पानी लिया था? 1.5 लीटर? आधा लीटर लिया, फिर से आधा लीटर लिया, 2 बार किया। अच्छा, और रिलैक्स हो गई। ओके, और फिर और प्रेगनेंसी में आपका डाइट क्या था? प्रेगनेंसी में डाइट में रो फूड खाती थी, सलाद और ग्रीन जूस भी पीती थी, मीट वगैरह का जूस और पेठे का जूस, ये सब जूस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो डॉक्टर विनल बहन, ये भी बताइए कि 9 महीने में आपने जो कच्चा कितना खाया, पक्का कितना खाया? मैंने कच्चा 70-80% तक कच्चा खाया रो फूड, और 20-30% तक मैंने पकाया हुआ खाया जी। दोनों खाया था, ऐसे नहीं, लेकिन दोपहर को और शाम को इस तरह से चलती थी, और जब भी भूख लगती थी तो फ्रूट्स वगैरह खा लेती थी। कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा गले में सूख रहा है तो जूस वगैरह बना के पी लेती थी मैं जी। तो 9 महीने में रेस्ट किया या खुद जूस बनाते थे? मैं खुद ही बनाती थी, दोपहर का भी मैंने खुद बनाया, सुबह को भी मैंने सबको खाना खिलाया, जूस बना के पिलाया था, सब किया था, और 4 बजे में मैटरनिटी होम में गई। ओके, और प्रेगनेंसी के बाद का फिर अनुभव बताइए। प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने संजीवनी छोड़ी ही नहीं है। ओके जी, प्रेगनेंसी के बाद जो मैं मैटरनिटी होम आई, तो मैटरनिटी होम से घर पे आई, तो घर पे आकर मैंने संजीवनी स्टार्ट रखी ही। कभी ऐसा लगता था कि सुबह भी संजीवनी ले लेती थी, कभी ले लेती थी, तो उससे मुझे बैक पेन कम होने लगा, और मैं बॉडी में जो रिकवरी आनी चाहिए वो मेरी पहली डिलीवरी थी तब मुझे इतनी नहीं आई थी, 1 साल लगा था मुझे रिकवरी बैक में आने तक के लिए। और सेकंड डिलीवरी में शायद ऐसा कहूँ ना कि 1.5 महीने या 2 महीने में ही पूरी रिकवरी आ गई थी, बेस्ट पेन तो मेरा रहा ही नहीं। आपका बेटा अभी, बेटा का जन्म हुआ? बेटा 3 साल का है। अच्छा, तो 3 साल का है बेटा, आप उसको क्या क्या खिलाते हो? मैं उसके जहाँ तक पहुँच होती है कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ, हाँ, वहाँ सब मैं फ्रूट सब्जियाँ सब रख देती हूँ जी। वो अपने तरीके से फ्रूट सब्जियाँ, मतलब कि टमाटर है, ककड़ी है, और बीट है, मूली है, गाजर है, ये सब रख देती हूँ, और फ्रूट्स भी साथ में रख देती हूँ। तो
तो वो अपने तरीके से जब भी भूख लगती है लेकर खाता रहता है पूरे दिन। तो डॉक्टर बिनल बहन, आपने तो ये सिस्टम को फॉलो किया, आपको लाभ हुआ। आपका बेटा 3 साल का है, वो भी ये सिस्टम को फॉलो कर रहा है। आपके पति देव के बारे में बताइए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर शैलेश वाघेला। और पहले उसने ही फॉलो किया हमारे घर में। अच्छा। क्योंकि मेरी तभी प्रेगनेंसी थी, तो उसने बोला कि अभी तू रहने दे और मैं फॉलो करता हूँ। तो उसने फॉलो किया। 15 दिन में तक उसे माइग्रेन पहले रहता था, लेकिन 15 दिन उसने ज्यूस पर रहा और कम्प्लीटली माइग्रेन अभी तक नहीं आया है। 20 साल से माइग्रेन रहता था जी। और माइग्रेन इतना बढ़ता था कि वो उसे वॉमिटिंग भी होती थी। लेकिन इसके बाद एमडीएस करने के बाद कभी भी नहीं माइग्रेन हुआ है, ना ही उसे वॉमिटिंग हुई है कभी जी। और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है प्रेगनेंसी का, आपका इतना अच्छा अनुभव है, आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनको भी क्या आप सजेस्ट करते हो? जी, मेरे एक नेबर में थे, एक जो संख्या बहन थे, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। हाँ। और 7-8 साल से प्रेगनेंसी उसकी नहीं रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब क्या करूँ, सारे डॉक्टर मैंने फॉलो कर लिए, सारे डॉक्टर को मैं मिली है, उसने सभी तरह ने किया कि ऐसा ऐसा करो, मैंने किया, लेकिन मुझसे कुछ भी अब होता नहीं है। को कितने साल हो गए? 7 से 8 साल हो गए। ओके। जी। और बाद में मैंने उसे बताया कि आप इस तरह से फॉलो करो, एनडीएस फॉलो करो और इस तरह से रो फूड पर आओ, जूस पर आओ। तो उसने मुझे गुड न्यूज दिए। अच्छा। सिर्फ 1.5 महीने। अरे वाह, 1.5 महीने में उसने मुझे गुड न्यूज दी। वाह। और अभी उसका बेटा है, 1.5 साल का बेटा है। अच्छा। और जूनागढ़ में भी एक ऐसे ही प्रॉब्लम था, तो उनको मैंने सजेस्ट किया, तो उनके घर भी आज एक बेटा है। तो और एक 4 साल के बाद में उनको प्रेगनेंसी रही। 5 साल। तो 5 साल में इतने सारे डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तब जाके वो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट मिला सिर्फ 1.5 महीने में। अभी आज की तारीख में, अभी 4 साल से आप फॉलो कर रहे हो, आज की तारीख में आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप जॉब भी करते हो, घर भी संभालते हो, तो कैसे मैनेज करते हो वो बताइए। सुबह बच्चों के लिए थोड़ा रो फूड वगैरह ऐसा वो उठते हैं तो खा लेते हैं, फिर नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन वो कितना रहता है थोड़ा ही, क्योंकि जगह ही नहीं बचती, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। फिर मैं अपना 2 बजे घर पे आती हूँ स्कूल से। मैं चौक पर से 2 बजे आने के बाद ग्रीन जूस बनाती हूँ, वो पीती हूँ। और बेटी है मेरी, वो स्कूल जाती है, तो उसे मैं बोतल में भी ग्रीन जूस भर के देती हूँ कि अभी तू जाकर ब्रेक में पहले ये पी लेना। और कभी कभी वो सामने से मुझे कहती है कि मम्मा मुझे गरवा भिंडी कर दो ना। अच्छा। वो कच्ची ही बना देती हूँ उसे और वो खा लेती है। अच्छा। तो आपके 2 बच्चे हैं जी। अच्छा। और अभी अभी पूरे दिन में आप ऑफिस जाते हो, घर पे रहते हो, काम करते हो इतना सारा बिजी शेड्यूल में, तो आपका लंच क्या होता है, आपका डिनर क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट कैसे मैनेज करते हो, मतलब जूस कैसे? मैं 12 बजे के बाद ही जूस लेती हूँ। अच्छा। जूस लेने के बाद में जब भी भूख लगती है तो फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है वो खा लेती हूँ। और शाम को एक टाइम, अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए पकाया हुआ शाम को एक टाइम खाते हैं, लेकिन वो भी 80% जो है वो रो फूड और 20% है वो पकाया हुआ खाते हैं। तो ये बताइए कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आप दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट लेते हो, नहीं लेते हो? कभी दूध को हमारे घर में एंट्री ही नहीं है। अच्छा। तो बच्चों ने कभी जन्म से पिया ही नहीं? कभी नहीं पिया। मेरी बेटी तो ये कहती है कि मम्मा वो तो बछड़े के लिए है, हमारे लिए थोड़े ही है। अच्छा। और चाय का तो फिर सवाल ही नहीं रहा, दही का, छाछ का, कुछ भी नहीं। आप समाज को कुछ टिप्स दीजिए कि चाय छोड़नी हो, दूध छोड़नी हो, कच्चा भोजन को एडॉप्ट करना हो, पकाया हुआ को त्याग करना हो, दवाइयाँ बंद करनी हो, तो कुछ एडवाइस दीजिए। ये सब करने के लिए पहले तो मन को ही आप खुद अपने मन को समझाइए कि मुझे क्या करना है। हाँ। फिर बाद में ही आगे आप फॉलो कर सकते हो, वरना दवाइयाँ खाते रहे और अपना शरीर बिगाड़ते रहो। जो भी खाना खाना है पकाया हुआ वो खाते रहो और अपने शरीर को उसमें डालते रहो जो भी खाते हो उसमें। लेकिन अगर एक बार आपने एनडीएस फॉलो किया तो
कच्चा जो भी आप खाते हो उसमें उसके जूस में चबाने में जो मजा आता है जी, वो पक्का खाने में नहीं आएगा जी। इसलिए एनडीएस फॉलो करें, आप कोई भी फॉलो करें तो भी रॉ फूड पर ज्यादा जाए जी। तो डॉक्टर बिनल बहन, आप यहाँ पे तलाला गिर इतने दूर से हमें मिलने के लिए आए, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव कहा, ये आपके अनुभव से लाखों लेडीज को फायदा होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। ओके।